हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लाए हैं वो है आपके लिए लॉ ऑफ एविडेंस का 2022 का जो है एग्जाम पेपर, जो आज ही हुआ है, इसका सॉल्यूशन है। इसे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बच्चों ने किया है, कितना स्कोर आप किया है देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा पेपर था, प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उसके लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। और इस वाले क्वेश्चन पेपर को अब हम देखेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन आए थे और कितना प्रीवियस का था, कितना न्यू ईयर का था, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, वही 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने थे इसमें। देखिए, फर्स्ट था पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम किस धारा में है, यह है आपका 154, सेक्शन 154। ओके, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है, यह है सेक्शन 159। साक्ष्य अनुचित ग्रहण या अग्रहण आधार नहीं होगा। देखिए, न्यू भी होता है और किसी अनुसरित का भी होता है, ये ए एंड बी दोनों ही होगा। देखिए, अगर भाई क्वेश्चन में कोई भी आपको मिस्टेक लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर गलत है, तो डोंट माइंड, आप परेशान न हो, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन नेचर हूं, मैंने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप मुझे उसे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, और अपना एक स्टेटमेंट मुझे जनरेट कर सकते हैं जिससे मैं उसे क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जो है आपको आंसर क्लियर कर दूंगा, कोई नहीं। चलिए देखे, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो डी जो है इसका आंसर रहेगा। ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 142। ओके, इसका जो आंसर रहेगा 1 सितंबर 1872। ओके, इसका जो है 167 धाराएं हैं, इसका ए एंड बी रहेगा। ओके, ये देखिए सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 6 है, ठीक है। बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, एंगेज ज्यादा हो जाता है उस तरीके का जब क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ओके, ये आचरण रहेगा। देखें, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिनाख्त की जाती है, यह सेक्शन 9। ओके, साक्ष्य अधिनियम के किस व्यक्ति के दोस्त की धारा किस संबंधित होता है, तो यह सेक्शन 14A। ओके जी, ये जो है देखिए इसमें क्या है कि मैं कंफ्यूज था काफी टाइम तक, मैंने इस पर डिस्कस किया, तो इसका जो मुझे आंसर मिला वो था रेस गेस्टे। ओके, इसका जो आंसर मिला वो है षड्यंत्र, और इसमें मुझे डाउट था, आप भी चेक कर लीजिएगा, इन दोनों में मुझे डाउट था, तो मैं एक की ओर जा गया हूँ, आप देख लीजिएगा, आप मुझे अपना आंसर सजेस्ट करिएगा। ओके, सेक्शन 17, इसमें सेक्शन 17 होगा, इसमें 18, 19, 20 होगा। ओके, इसमें सेक्शन 20 होगा, ठीक है। अभी देखें, ये डाउटेबल क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा, डाउटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। कई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे उनके आंसर्स क्लियर नहीं हुए, तो मैंने इस वजह से उन्हें छोड़ना ही समझा। ये 25 होगा। ओके जी, यहाँ पर आप देखेंगे ये 24 है, ये राइट आंसर है जी। इसमें देखेंगे स्वीकृति है, ओके ये मैंने छोड़ दिया है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखिए बी ये रहेगा 30, ये रहेगा आपका सी। इसमें सी देखिए, सी और ये इसका सी तरफ आप ना जाएं, इसका आंसर जो है वो बी है। ओके, क्या है इसका आंसर, बी है। सेक्शन 32, ओके ये मैंने आपको ड्रॉप किया है, इसका आंसर आप खुद सर्च करिएगा, ठीक है। ये भी तो देखो, जो डाउटेबल क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो देखिए रॉन्ग आंसर बताना मेरा कोई नहीं है, आप जो करेक्ट आंसर हैं उनका मैंने आपको डिस्कस करके पूरा दे दिया है, ठीक है। ये सी है आपका, ओके क्या है इसका, सी है जी। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विधि पुस्तकों की गई प्रविष्टियां सुसंगत हैं, तो वो 38 है। ओके जी, यहां पर देखिए 33 में बी सेक्शन रहेगा, 33 में बी, ठीक है। यहां देखेंगे इसका जो आंसर है वो डी है, इसका जो आंसर है वो डी है। ओके जी, ये देखिए डाउटेबल क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे बता सकते हैं। देखें, चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन बुराशील होता है, ये 54 है। ओके, ये जस्टिस बोरा की कमेटी है, आप देख लेंगे, ये मुझे डाउट लग रहा है बट आप इसे चेक करेंगे। ओके 53 जी, और यहां पर आप देखेंगे इसका ये है, ठीक है बी। अब यहां पर देखिए 46 से देखिए, 46 में आपका जो है बी, ओके इसका डी,
इसका डी, इसका ए, इसका ए जी, इसका इसका सी है सर, इसका सी है, इसका सी, इसका ए, ओके, इसका सी जी, इसका सी 55 का सी, ओके, 57 का आपका डी, 58 का सी, 59 का आपका सी, 60 का आपका ए, 61 का ए, सी, 63 का सी, बी, 64 का सी, 65 का डी, 66 का ए, 67 का डी, 68 का सी, 69 ड्रॉप किया, 70 का बी, 71 का ए, 72 का, देखिए ड्रॉप किया है बट बच्चे ने क्वेश्चन किया है आप इसे देख लीजिएगा, 74 का आप देखेंगे, 74 का बी, 75 का ए, 76 का आपका बी, 77 का सी, 78 का सी, 79 का सी की ओर जाएंगे, 78 बी, सॉरी 80 बी, 80 बी, 81 सी, 82 ड्रॉप करेंगे। देखिए इनमें दो डेट थी वो कन्फ्यूजन हो रहा था इस वजह से मैंने छोड़ दिया 82 को। देखिए इनमें भी दो हैं, ये पूरा का पूरा, तो बट मैं इसमें ए के साथ गया हूँ, इसमें बी और ए दोनों था तो मैं इसके ए के साथ गया हूँ 83 का, ओके 83 का ए, 84 आप ड्रॉप किया, 85 का ए, 86 का डी, 87 का डी, 88 का सी, 89 का डी, 90 का डी, ओके 90 का डी, 91 ड्रॉप करिए, 92 ड्रॉप किया, 93 ड्रॉप किया, 94 का बी, 95 का आपका जो है डी, 96 का आपका सी, 97 का सी, 98 का बी, 99 का ए, 99 का बी है, सॉरी भाई बी है, 99 का बी है, बच्चे ने गलत किया है, और 100 का जो है वो ए है, 100 का जो है ए है। तो ये थे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस में से मैंने करीब 75 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और 75 क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें मिले हैं, 25 क्वेश्चंस जो मैंने ड्रॉप किए हैं, ठीक है 75 क्वेश्चनों को ड्रॉप किया है क्योंकि उनके आंसर मुझे क्लियर नहीं थे और इस वजह से मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया है। आप उनके आंसर को मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनके आंसर्स को अगली नेक्स्ट वीडियो में ले सकूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में नहीं भी ले सकूंगा तो कमेंट जो बच्चे देखेंगे उन्हें पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये है। देखिए रॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर देना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है आपको बेहतर आंसर की देना, जो कि अभी आगरा यूनिवर्सिटी में हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उनकी आंसर की देने का हमारा प्रावधान है, वो अच्छे से होना चाहिए, ओके। तो इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा जो है मोटिवेशन डबल होता है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरीके से आंसर सीरीज को प्रोवाइड कर सकें। ये आगरा यूनिवर्सिटी का है, हम चाहेंगे कि अभी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी हम पेपर आपको दे सकें, जिससे कि आपको थर्ड ईयर में भी आपको इजी पेपर मिल सके। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।